सब्सक्राइब करें हमारे चैनल और साथ ही बजाएं घंटी का बटन ताकि आपको मिल सके हर वीडियो सबसे पहले। राम राम जी। आज आप लोगों का स्वागत है राजा जी का ढाबा डॉट कॉम में। आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं बंद गोभी रोल। बनाना बिल्कुल ही आसान है और खाने में बहुत मज़ेदार। ये देखिए रोल हम बनाए हैं। बंद गोभी का रोल बच्चों के खाने के लिए बहुत हेल्दी है एक तरह समझिए तो। और इसको जैसे आप ब्रेड ज़्यादा खाते हैं बच्चे, तो हरे हरे अगर बंद गोभी खाएं तो और भी फायदा है, हेल्दी है। ये देखिए हमने आलू दिया है 1.5 किलो, इसको हम छील लेंगे। आधा किलो मटर दिया है, 2 बंद गोभी दिया है और 4-5 टमाटर दिया है। आलू को नया आलू है तो इस वजह से इसको कोई दिक्कत नहीं है छिलका छीलने का। इसको बढ़िया से धो के उबाल दें और इसको बढ़िया से बारीक बारीक फोड़ दें। और बंद गोभी को हम एक पतीला लेंगे पानी, और उसमें हम बंद गोभी को पानी से डुबा लगभग डूबता हुआ पानी में डाल देंगे और ढक्कन बंद कर देंगे और गैस का फ्लेम तेज़ कर देंगे। इसको हम गोभी को उबाल रहे हैं। उधर हम मसाले के लिए देख लीजिए, ये हींग दिए हैं 4-5 पिंच है हींग, 5 पत्ते तेज़पात के हैं, 1 बड़ा चम्मच धनिया साबुत है, और देखिए 1 छोटा चम्मच जीरा है। ये तड़के के लिए हमने दिया है जो हम बंद गोभी रोज बनाएंगे। और देखिए यहीं पे हमारा सीक्रेट सामान है, वो है लहसुन के पत्ते और 10-12 ये 2 लहसुन के हमने जड़ से काट दिया है, 2 जड़ वाला लहसुन को बारीक बारीक काट दिया है, और 8-10 हरी मिर्च को बारीक काट दिया है। ये देखिए मसाले हमने दिए हैं, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्चा है और 1 से थोड़ा सा कम धनिया पाउडर है, और आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर है, और 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर है, और 1 गरम मसाला 1/4 चम्मच है, क्योंकि ज़्यादा हम इसमें गरम मसाला नहीं डालेंगे। और देखिए हमने मटर को छुड़ा दिया है, हरा मटर, और यहाँ पर आलू को उबाल कर हमने फोड़ दिया है। अब हम चलते हैं कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में हम डालेंगे रिफाइन ऑयल। आप चाहें तो मक्खन से भी फ्राई कर सकते हैं इसको, सरसों तेल से भी कर सकते हैं। और यहीं पर हमने जो तड़का दिया था हींग जीरा तेज़पात और धनिया साबुत, उसको इसमें डाल दिया है। गैस का फ्लेम अब तेज़ करेंगे क्योंकि हमें तड़का पहले भून देना है। और देखिए इधर हमारा बंद गोभी उबल रहा है, तो पहले हम हरी मिर्च और लहसुन दोनों को डालेंगे। किसी चीज़ के लिए फ्राई करने के लिए आप जो भी चीज़ में आप लहसुन खाना पसंद करते हैं तो हरा लहसुन डालिए, बहुत ही मज़ा आएगा, टेस्ट 10 गुना बढ़ जाता है। हरा लहसुन हमारा सीक्रेट है। ये देखिए यहीं पर हमने जो मटर छुड़ा रखा था इसी में तड़के में ही हम डाल देते हैं ताकि मटर भुन जाएगा बढ़िया से, और जो हमने मसाले लिए थे वो इसी में डाल देते हैं। मटारे का मसाले के साथ मटर भी हम भूंज लेंगे बढ़िया से। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे क्योंकि मसाला ज़्यादा नहीं, लो कर दें। और यहीं पर जो हमने आलू फोड़ रखा था ये 2 किलो के करीब, उसको भी इसी में डाल देते हैं। 2 बंद गोभी हमने उधर उबालने के लिए बैठा दिए हैं, और उसको उबालना होता है बढ़िया से। उसका जो उसमें हार्डनेस होता है, क्रंचीपन होता है, वो ख़त्म हो जाए, इसको सॉफ्टनेस बनाना होता है, क्योंकि हम उसको मोड़ना पड़ता है रोल के लिए। और यहीं पे आलू डालने के बाद हमने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है, और इसको हम बढ़िया से, अगर ये इसमें ज़्यादा बारीक नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं क्योंकि रोल बनाना है। और यहीं पे बहुत सारा धनिया पत्ता डाल दिया हमने, और इसको बढ़िया से हम मिला देंगे। इसको भून देना होता है मसाले को, जितना भूंजेंगे मसाला उतना ही रोल हमारा टेस्टी बनेगा। ज़्यादा दानादार दाना दाना बड़ा बड़ा दाना नहीं होना चाहिए। इधर देखिए हमारा बंद गोभी अब बढ़िया से उबल गया है, यानी कि सॉफ्ट हो गया है। तो अब गैस को हम कर देंगे बंद और इसको करेंगे बंद गोभी को ठंडा। इधर हमारा मसाला भून गया है और मसाले के पतीले में हम निकाल देते हैं। बंद गोभी रोल बनाना बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा टिप्स और ट्रिक्स देखिए और उस पर अमल कीजिए, आपका बंद गोभी रोल बहुत बढ़िया बनेगा। देखिए हमने एक पतीला लिया है और उसी में हमें ये बेसन डाल रहे हैं। लगभग यहाँ पे बेसन हमने 3 पाव डाल रखा है, 3 पाव बेसन डालें 2 बंद गोभी रोल के लिए। 3 पाव बेसन डालने पर ये लगभग एक्यूरेट हो जाता है। थोड़ा बहुत जब आपका बेसन बच जाता है, ये देखिए हमने यहीं पर अजवाइन दिया है, बेसन हमने 3 पाव दिया है, अजवाइन 1 चम्मच दिया है, और यहीं पे हम ये सोडा दिए हैं। सोडा ज़्यादा गिर गया है, सोडा हम कम ही डालेंगे, इतना सोडा नहीं डालेंगे। देखिए हमने सोडा कम करके डाला है, सोडा मुश्किल से 2-3 पिंच डालना होता है, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के
इसका मोटा पेस्ट तैयार करेंगे, घोल मोटा तैयार करेंगे, इसका पतला घोल नहीं तैयार करेंगे, इसका ब्रेड पकौड़ा से भी मोटा घोल तैयार करेंगे। इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसमें दाना बिल्कुल ही हम ख़त्म कर देंगे, जैसे हम ब्रेड पकौड़ा के लिए बनाते हैं उस तरह पतला पेस्ट तैयार करेंगे, लेकिन इसका घोल मोटा रहेगा ब्रेड पकौड़ा के अकॉर्डिंग। ये देखिए दाना दाना एक दिख रहा है, उसको हमें पूरा ही ख़त्म कर देना है दाने को, और पेस्ट को मोटा रखना है। इधर मेरा आलू भुन गया है, अब देखिए हमने कढ़ाई लिया है और इसमें तेल डाल रहे हैं रोल बनाने के लिए। हमारे दोस्त बोलते हैं आप काला तेल इस्तेमाल करते हैं, तो हमने अब सिर्फ एक फॉर्चून का तेल और सरसों तेल रिफाइन ऑयल दो ही चीज़ यूज करते हैं। ये देखिए हमने इसका जड़ काट दिया है, और इसका जितना गुद्दा गुद्दा है गोल सा पत्ते या किनारे किनारे, उसको ऐसे हम हटा देंगे ताकि पत्ता आपका आराम आराम से निकल जाए। और इसको बढ़िया से देखिए इस तरह से उबालना होता है कि आराम आराम से पत्ता निकले आपका, फटे नहीं। तो इसको ज़्यादा थोड़ा देर, जैसे कि उबालने के बाद थोड़ा देर छोड़ देना होता है। हम लोग फटाफट देखिए इसमें से भाप फेंक रहा है, हम लोग निकाल रहे हैं। थोड़ा देर आप इसको छोड़ दें और आराम आराम से निकालें, देखिए एक एक पत्ते निकल जाएंगे। अगर कोई पत्ता थोड़ा बहुत फटता है तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर छोटा छोटा पत्ता होता है उसका डबल करके आप बना सकते हैं रोल। ये जरूरी नहीं है कि फटा पत्ता है तो उसका काम नहीं आएगा। ये जिधर से मोटा पत्ता भी मैं आपको काट के दिखाता हूँ डंठल की तरफ, उसको पतला करना होता है ताकि रोल घुमाने में एकदम आसान हो। इस तरह देखिए ये देख रहे हैं, ये इधर से पत्ता का डंठल की तरफ से मोटा होता है। तो इस तरह से हम सारे को ये मोटा मोटा पीस काट देंगे और इसको भी पतला कर देंगे ताकि हम रोल बनाने में आसान से बना सकें। ये देखिए ऊपर ऊपर का जहाँ ये मोटा वाला परत है ना हैंडल की तरफ से, उधर से हम पहले काट देंगे। देखिए इतना छोटा छोटा सबरा निकाल दिया हूँ, इतना छोटा छोटा बचा है। आपको अगर ज़रूरत हो और भी बनाने का तो इसको भी निकाल दें, दो दो करके लपेट दें, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए इधर हम थोड़ा सा पानी लिए हैं, उसमें एक बड़ा चम्मच मैदा का डालेंगे और इसका लॉकिंग घोल बनाएंगे। जो जो हम लॉक करेंगे वो घोल तैयार करेंगे मोटा। ये देखिए बंद गोभी के पत्ते पे हमने डाला आलू, इसके इसका रोल बना रहे हैं। ये मोटे का पत्ते को, जो मोटे का हैंडल जिधर मोटा है डंठल, उस तरफ से हम पहले मोड़ेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा मैदा लगा देंगे। यहीं पे थोड़ा सा मैदा लगा देंगे और जहाँ मैदा लगाएंगे उसी को यहाँ पे मैदा लगा देते हैं थोड़ा सा यहाँ से वहाँ, और ये देखिए यहाँ से वहाँ तक लंबा लगा दिया। अब इसी को फिर इसी पे हम आराम से इसको मोड़ देंगे ऐसे, और जहाँ मोड़े वैसे ही रख दें इसको, इसे पलट के रखें। देखिए हम पलट के रखेंगे इस तरह से, हम ऐसे जहाँ अगर पलट के भी रख सकते हैं आप ऐसा, अगर लॉक बढ़िया लग जाता है तो कैसे भी रख सकते हैं, लेकिन पलट के रखेंगे तो उधर से लॉक बढ़िया से हो जाएगा। आलू इस हिसाब से डालें जिस हिसाब से आपका पत्ते हो। अगर बंद गोभी बड़ा पीस में है तो आप आलू और भी ज़्यादा डाल सकते हैं, अगर बंद गोभी छोटा पीस का है तो आलू कम कम डालें आप। और ऐसे यहाँ से वहाँ तक आप मैदा का जो घोल तैयार कर रखे हैं ऐसे लगा कर, और देखिए इसको दबा के नीचे रख दें। ये आराम से देखिए मैंने सबसे ऊपर वाला पत्ते का भी बनाया और नीचे वाला पत्ते का बनाया, इसी तरह सारा ही आप रोल बना के रख दें। खाने में बहुत हेल्दी है रोल ये, और इस तरह से आप बनाएं और हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका ये बंद गोभी रोल कैसा बना। उधर हमारा बेसन का हमने घोल तैयार कर दिया है, अब इसको हमें फ्राई करना है। अगर हमारी वीडियो पसंद, देखिए ये दूसरा तरीका भी आपको हम एक बता रहे हैं, देखिए ये दूसरा तरीका है, इस तरह से भी आप रोल बना सकते हैं और इधर से लॉक करें। ये हमारी मैडम बैठी हुई है तो बोली कि दूसरा तरीका से भी बन सकता है रोल, तो इस तरह से भी आप रोल बना सकते हैं। दो चार रोल ऐसे ही बनाए हमने, देखिए घोल आपको दिखा रहे हैं कितना इसकी कंटेंसी होनी चाहिए। ये मोटा होता है ब्रेड पकौड़ा से, बहुत मोटा होगा ये इसका घोल, ताकि हम जब कढ़ाई में डालें तो इसमें बूंदी बूंदी ऐसा कढ़ाई में नहीं हो। गैस का फ्लेम मीडियम होना चाहिए, ये देखिए गैस का फ्लेम मीडियम लो ही है, मीडियम मीडियम की तरफ जा रहा है, तो हम अभी रुक जाएंगे थोड़ी देर के बाद डाल देंगे, ताकि ये नहीं तो इसमें बूंदी बूंदी दाने दाने आएंगे। बहुत सारे फ्रेंड्स बोलते हैं कि मैं तो बनाता हूँ या बनाती हूँ तो इसमें बूंदी बूंदी से आ जाते हैं, तो आपने गैस का फ्लेम एकदम लो रखा है या तो आपने घोल को बहुत पतला कर रखा है। इस वजह से दो ही तरीका हो सकता है बूंदी आने का, क्योंकि बहुत से ब्रेड पकौड़े समोसे में बहुत जगह कमेंट्स आया पड़ा है हमारे पास, तो हम सोचते हैं कि जब भी हम जो चीज़ बनाएंगे, देखिए हमने इतना पीस डाल रखा है इसमें दो तीन बूंदी आपको दिख रहा है, इससे ज़्यादा बूंदी नहीं आएगा इसमें। और बूंदी कभी आता है जबकि
जो पेस्ट बनाते हैं हम, घोल बनाते हैं, उसकी कंसिस्टेंसी मतलब ठीक नहीं होता है, तभी ऐसा होता है। इस तरह से बंद गोभी रोल बनाएं और हमें ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आपका बंद गोभी का रोल कैसा बना। आपका पूरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर हमारी ये वीडियो पसंद आता हो, आई हो आपको, तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ही ना भूलें। देखिए इस तरह से रोल आप बनाएं। अब इसको हम फ्राई करके आपको दिखाते हैं, क्योंकि जब हम बनाते हैं तो कोई ना कोई कस्टमर आ जाता है। ये देखिए ऐसे ऐसे काट दें तीन पीस में। ये देखिए कितना बढ़िया आलू इसमें हमने भर रखा है। और इसको सॉस के साथ आप ग्रीन सॉस, रेड सॉस या चाट मसाला भी डाल के खा सकते हैं। और जो भी आप कमेंट्स करते हैं उसको हम जल्दी कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी उसका वीडियो अपलोड करें। और जो भी आप कमेंट्स करेंगे उसका भी हम कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए राम राम जी।